हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, स्वागत सभी का। तो आज का जो वीडियो है गाइस, वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेबर देश, जी और दोनों में ऐसा फर्क है चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का और महंगाई का, उसके साथ साथ दो नंबरी का हमारे की हमारे ये की जाती है ना, ये बात ये ज्यादा जरूरी हो कि हमारे यही की जाती है, चूना लगाया जाता है आवाम को। वो आज हम रखेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, बाइक्स हैं स्पेशली, जो बाइक लवर्स हैं, तो उनकी कैसे ले रही है गवर्नमेंट। तो ये हंस रही हो, मतलब यही है। चले पहले हम देख लेते हैं जी, पाकिस्तान में होंडा जो है 2025 मॉडल, अभी हमारे पता क्या होता है, अभी 25 आया नहीं है, लेकिन मॉडल आया था उसमें कुछ चेंज तो होना नहीं है, पट्टी चेंज करनी है, नाम चेंज, सौखा काम है इसी। चले जी, इस बार उन्होंने थोड़ा सा कलर भी चेंज किया है। वाह जी वाह, कलर नए आए हैं, हां इस बार थोड़ा सा कलर चेंज किया है उन्होंने। ओके चलो, तो पहले जो इनकी प्राइस होती ये यहाँ से देखनी है। इसमें मौजूद हूँ जुरा होंडा मेन जीटी रोड गुजरावाला पे, और जुरा होंडा पे मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी वीडियो सुना चुका हूँ। लास्ट ईयर यहाँ पे लॉन्चिंग भी हुई थी गोल्ड एडिशन वगैरह की, और इस दफ़ा भी लॉन्चिंग है, बट आज नहीं है, दो दिन बाद है, कल का दिन छोड़ के परसों यहाँ पे लॉन्चिंग है। और आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ होंडा CG125 के 2025 मॉडल की रेड कलर की वीडियो, जो कि आपके सामने मौजूद है। और आज मैं बीमार हूँ, बाइक से मैं गिर गया था परसों, फिर भी मैं आपके लिए जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, सोचा आपसे शेयर करूँ, इसलिए मैंने शलवार में भी पहन लिया था कि वो जो जख्म वगैरह ना उनको पैंट शर्ट लगे ना। तो खैर आपके सामने मौजूद है बाइक, और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बाइक कैसी है, इसकी लेटेस्ट जो प्राइसिंग है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है होंडा CG125 2025 मॉडल का रेड कलर, और जैसा कि आपको बताया मैं मौजूद हूँ इस वक्त जुरा होंडा पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक फ्यूल टैंक और साइड कवर की, इसके बाद मैं आपको बाद में डिटेल के साथ इसका क्लोजर भी दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो 360 लुक है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इसके फिजिकल जो ओवरव्यू है ना वो वैसे का वैसे ही, कोई इसमें किसी किस्म की तब्दीली जो है ना वो नहीं की गई, और बिल्कुल सेम टू सेम वही है, जस्ट ग्राफिक्स का डिफरेंस है, बट फिर भी होंडा ने इसका भी लॉन्च इवेंट किया, मजे की बात ये है। तो ये चीज़ है, तो खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो, फ्रंट साइड से जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये मीटर है, सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, अगर कोई क्वालिटी में डाउनग्रेड या अपग्रेड मिला ना वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बाकी फिलहाल देखने में वही चीज़ है। नीचे वाली तरफ अगर हम आ जाए इसकी हेडलाइट की बात करें, तो हेडलाइट जो है ना इसकी और CD70 की दोनों की जो है ना थोड़ी सी चेंज है। चेंज से मुराद ये है कि पहले यहाँ पर स्टैनले की ब्रांडिंग हुआ करती थी, अब स्टैनले की ब्रांडिंग नहीं है, और थोड़ी सी एक उसकी वजह से ना थोड़ी सी क्लियर फील होती है, और ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है ना वो सेम है, कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं मिलता। जैसे ग्लास आई थिंक चेंज है, अभी आई थिंक होंडा खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर किसी से करवा रहा है ये नहीं पता। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें, वही टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं मिलता, पीछे क्रोम्ड है और आगे जो है ना थोड़ा ऑरेंज कलर का जो होता है ना इसका ग्लास लगा होता है। दूसरे मॉडल्स में जो है सिल्वर कलर का, इसमें ऑरेंज कलर का है। नीचे वाली साइड पर अगर हम आ जाए तो इसका एम्बलम जो है ना लास्ट टाइम चेंज किया गया था, ये वही वाला एम्बलम है, और ये नया है, और ये देखने में ऑनेस्टली काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके बीच में क्रोम स्ट्रिप है, और बाकी जो इसका जो फ्रेम है ना, जो इसका बॉर्डर है वो ब्लैक कलर में मिलता है। साइड की बात कर ले तो साइड में अब एक रिफ्लेक्शन लाइट मिल जाती है, जो कि पहले यहाँ पे इसके एम्बलम के साथ हुआ करती थी, बट अब ये सेपरेट दी गई है। और नीचे मजीद अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके शॉक्स, और शॉक्स की पेंट की क्वालिटी होंडा की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है, और पहले की तरह भी अच्छी है। और हब की बात करें, हब जो है ना होंडा की, ये वही होंडा CG125 की बड़े वाली हब है, जो कि चंद सालों पहले जो है ना बड़ी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पहले छोटी हुआ करती थी। और पेंट की क्वालिटी जो है ना हब की, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, होंडा की जो पेंट की क्वालिटी है ना वो सबसे अच्छी होती है। टायर की बात करें, 2.50x18 का इसका टायर मिल जाता है, और आपको मैं दिखाता चलूँ, 4ply का इसका फ्रंट टायर है, और पैंथर का इसमें किसी में सर्विस का होगा, किसी में पैंथर का होगा, किसी में कोई भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह की कुछ इसकी ग्रिप मिल जाती है, और इसका जो मरगार्ड है ना वो भी सेम चीज़ है, इसके ऊपर एक चीज़ होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है इसकी प्राइस होंडा की वही है 2,34,900। होंडा लॉन्चिंग के वक्त अपनी जो प्राइस है ना उसको चेंज नहीं करता, पहले जो इनकी प्राइस होती है ना वही चलती रहती है। और मजीद अगर हम इसके साइड जो फ्यूल टैंक और साइड कवर की बात करें ना, तो भाई फ्यूल टैंक जो है ना इसका देखने में सर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसको कैसा लगता है। ऑनेस्टली मुझे देखने में इसके जो ग्राफिक्स है ना वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो यूज़ किया गया, वाइट ब्लैक और येलो का मोस्टली जो कलर कॉम्बिनेशन है ना यूज़ किया गया, और वाइट और ब्लैक मिलकर ग्रे शेड भी बना देता हूँ, और कुछ इसके क्वालिटी जो है ग्राफिक्स को नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको इसके ग्राफिक्स कैसे लगे, और कुछ टच इसमें ना पिछले मॉडल का आ रहा है, कुछ पिछले से पिछले मॉडल का ऐसा लगता है कि दो मॉडल्स का इसमें जो है ना कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया इस दफ़ा। और मजीद अगर साइड कवर की बात करें, तो साइड कवर में आप देख सकते हैं जो है ना इसके ग्राफिक्स ठीक है, मैच किए गए हैं,
बट ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है, इसमें जो ब्लू कलर का सीजी लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है क्योंकि पूरी बाइक में कहीं पर भी ब्लू कलर नहीं है सिवाय इसका, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। दूर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, आपको फील होगा वो अलग ही एक ब्लू जो कलर है ना वो नज़र आ रहा है। इंजन वाली साइड की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं वही 125 cc का जो इसमें इंजन है ना वो मिल जाता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो नेट से भी मिल जाती हैं, बट जो आपको क्वालिटी वगैरह ना उसके बारे में आपको बताऊँगा। पेंट की क्वालिटी ओवरऑल बेहतरीन है और कोई इसमें डाउनग्रेड या अपग्रेड मुझे देखने में नहीं मिल रहा, सेम टू सेम वही क्वालिटी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे इंजन जो कवर है उसकी तरफ आ जाएं, उसकी भी पेंट की क्वालिटी डेफिनेटली पहले की तरह अच्छी है। अगर हम बात करें इसके चैन कवर की, जो इसका जो चैन कवर है ना वो भी सेम टू सेम वही चीज़ है, और थिकनेस जो है ना इसकी ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत हल्की भी नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं इसके रेयर शॉक्स, जो रेयर शॉक्स हैं वही मिलते हैं नॉन एडजस्टेबल 125 में शॉक्स होते हैं, जो कि थोड़े से हार्ड होते हैं। इसके ऊपर अगर भी ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर बैठेगा तो फिर इसके जो शॉक्स हैं वो थोड़े से अच्छे से वर्क करेंगे। रेयर की अगर हम बात कर लें अगेन वही टर्न इंडिकेटर और इसकी टेल लाइट जो है ना वो मिल जाती है, और कोई यहाँ पर भी चेंज किसी भी किस्म का नहीं मिलता। रेयर मडगार्ड वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और उसके बाद रेयर हब की अगर हम बात कर लें तो वो आप देख सकते हैं रेयर हब जो है ना वही चीज़ है, कोई किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। बट ये जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें लगभग 8 नई अपडेट आ चुकी हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए अगर आप खरीदने जा रहे हैं 2024 में क्लासिक 350 को। आप देख रहे होंगे जैसे ये कवर्ड है क्योंकि आज 1 सितंबर 2024 को हमारे अयोध्या में ये लॉन्च हो रही है, और शोरूम का नाम है चावला राइडर्स। आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। आप सबसे पहले इसको दिखाते हैं कवर हटा के, जिससे आपको पता तो चले कि भाई इसमें नया क्या आया है। तो ये है आपकी नई 2024 मॉडल क्लासिक 350 गन ग्रे कलर, और अभी मैं इसकी अपडेट दिखाऊंगा। सबसे पहली अपडेट तो आपको दिख रही होगी कि भाई इसके अंदर नया कलर आ चुका है, और इसमें नए स्टिकर नए ग्राफिक्स भी आ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट फ्रंट से आप देखेंगे कि इसमें अब आपको नई एलईडी लाइट मिलने लगी है, और फुली एलईडी लाइट का सिस्टम इसमें आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा आर की ब्रांडिंग की गई है, और एलईडी लाइट काफ़ी क्रिस्टल क्लियर दिख रही है, देखने में अच्छी लग रही है। खास करके इस गन ग्रे पर ये जो ब्लैक कलर की मतलब इसकी आउटलाइन है वो चीज़ अच्छी लग रही है। और यही नहीं, अभी आप इसके और अपडेट देखिए, इसके जो ये दो पायलट हेडलैम्प हैं ये भी एलईडी हो चुके हैं, और ये भी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तब हेडलाइट जलेगी, और जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये दो पायलट हेडलैम्प जलेंगे। तो मतलब ये नई अपडेट यहाँ पर ये आ चुकी है। और एक अपडेट आप दूर से देख रहे होंगे कि इसमें अब आपको एलईडी इंडिकेटर भी मिलने लगे हैं, और इसको अगर मैं हजार्ड लाइट के साथ ऑन करके दिखाऊँ तो दो पायलट हेडलैम्प के साथ फ्रंट लुक आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो एलईडी पायलट हेडलैम्प और दो एलईडी इंडिकेटर अब आपको मिलने लगे हैं। अब यहीं पर अगर आप कलर को देखेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल टोन कह सकते हैं, यहाँ पर मैट ब्लैक, यहाँ पर ये कॉपर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये गन ग्रे कलर आपको मिल रहा है। तो तीन कलर आपको मडगार्ड में, बाकी यहाँ पर सिंपल। अब उधर से लेफ्ट साइड से दिखाओ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाई तो इसमें अब आपको नए कलर और भी कलर आ गए हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे कलर आए हैं, आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल टैंक पर देखेंगे तो यहाँ पर रॉयल इनफील्ड 3D में लिखा हुआ है, यहाँ पर गन ग्रे है ये, यहाँ पर आपको कॉपर टाइप का कलर है ये, और यहाँ पर ये मैट ब्लैक है, यहाँ पर टैंक पैड लगा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें ब्लैक है। और जो क्लासिक 350 लिखा रहता था अब यहाँ पर ये देखिए जिस कलर में बीच वाली पट्टी रहेगी उसी कलर में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और वही स्टीकर आपको इसके एलॉय व्हील पर भी मिलेंगे। तो ये इसमें एक नई अपडेट है। लेकिन इसके अलावा और क्या अपडेट हुई है उनको आप देखें। सबसे पहले पीछे से दिखाना भाई ज़रा, रियर प्रोफाइल आप देखेंगे, लुक तो वैसा ही है, लेकिन एलईडी बैकलाइट और एलईडी इंडिकेटर अब आपको मिलने लगे हैं, जो खूबसूरत लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे, और वही रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग इसके मडगार्ड पर भी आपको मिल जाती है। देखिए स्प्लिट सीट आपको मिल रही है, और इसमें जैसे आप कस्टमाइज़ करवाएंगे तो बैक रेस्ट भी लगवा सकते हैं। उधर से फिर से दिखाओ भाई, अब इधर आ जाओ, इधर इधर। सबसे पहले एक नई अपडेट मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर मिलने लगे हैं। आप अपने हाथों के हिसाब से इसको देखिए, जैसे आपके हाथ अगर ये छोटे बड़े हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आपके हाथ छोटे बड़े हैं, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर इसके क्लच लीवर में भी ये एडजस्टिंग आपको यहाँ पर मिलने लगी है, तो जिससे आप क्लच को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मोबाइल चार्जिंग की सुविधा आपको यहाँ पर मिलने लगी है, ये वाली सुविधा। अब चाबी दिखाते हैं कि चाबी में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर ये है नई की रॉयल एनफील्ड की, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको इंसर्ट करते हैं,
स्विच ऑन, और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन भी मिलने लगा है, ये देखिए, जो पहले नहीं आता था। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव इसमें ये हुआ है कि अब आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिलने लगा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, मतलब जो भी गियर आप लगाएंगे इसमें आपको दिखेगा। और यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर, इको, और यहाँ पर किलोमीटर। अगर मैं इस वाली बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आई बटन है ये वाली, तो अब मीटर में दिखाओ तो आप देखेंगे ये टाइम भी आपको बता रही है। यहाँ पर आपको ये ओडोमीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू और ट्रिप एफ, और इसमें टाइम और ओडोमीटर, तो मतलब तीन, दो ट्रिप मीटर और एक ट्रिपल एक एफ है, तो इतनी चीज़ें। अब इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर आने से आपको जैसे गियर कौन से गियर में चल रही है ये आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये चीज़, ये भाई आपको हजार्ड लाइट की सुविधा मिलने लगी है, यहीं से आप चारों इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इससे इसको यहीं से किल स्विच और यहीं से इसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, सिंगल हॉर्न आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर इतनी सा, अब इधर से आकर दिखाना एक बार, राइट साइड से दिखा दो, ये फुली ब्लैक है, बस ये गन ग्रे कलर में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जैसे आगे का हिस्सा, और यहाँ पर ये आपको गन ग्रे मिल जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें पीछे आपको ब्लैक मिलेंगी। पूरी चीज़ें ये मैट ब्लैक में है, इंजन मैट ब्लैक, साइलेंसर पूरा मैट ब्लैक में है। देखो पीछे अगर आप देखेंगे, ये वाला मॉडल अगर आप लेंगे तो 270 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, ड्यूल चैनल ABS आपको मिल जाएगा। टायर साइज अगर आप देखेंगे तो 120/80/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, देख लेते हैं, ट्यूबलेस टायर इसमें लगा हुआ है। और अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो 300 mm की डिस्क ब्रेक के साथ, बड़ी सी 300 mm की डिस्क ब्रेक है, 190/19 का टायर मिलता है, 300 mm की वाइब्रे की डिस्क ब्रेक मिलती है जो कि ड्यूल चैनल ABS के साथ मिलती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और आगे अगर आप देखेंगे तो वही पट्टियाँ इसके यहाँ पर लगी हुई हैं। और अगर इंजन की बात करें तो इंजन आप देख ही रहे हैं, इंजन आप देख लें, ये वही इंजन है, इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ इस बाइक के अंदर कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं। इसमें 349 cc का इंजन है, 20.2 HP की पावर है, 6100 rpm पर, 27 Nm की टॉर्क है, 4000 rpm पर। और भाई वजन 195 kg, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, 805 mm इसकी सीट हाइट है। अब मैं इस पर उतार के बैठूंगा तो गिरने उड़ने के खतरा हो जाएगा। अभी अगर हम प्राइस की बात करें, साफ दिख रहा है उधर से, अगर हम प्राइस की बात करें कि प्राइस कितनी बढ़ी हुई है, तो 4000 इसकी प्राइस बढ़ी हुई है। अब ये बाइक अगर आप जनरल इंश्योरेंस के साथ लेते हैं तो मात्र 1,58,000 के आसपास, 58,900 रुपये, मतलब 1,58,900 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगी। और अगर आप जैसे जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग 1,60,000 तक ये बाइक आपको मिलेगी। अब इसमें और भी जो सही आप कह रहे थे, जो चूना है ना, बहुत चूना लग रहा है, चूने के साथ दो के हमारे वाली थी होंडा की 125, यानी कि 125 cc, ये है 350 cc, और इसकी प्राइस रहती है 160-170 लगा लें इधर। और हमारे वाले की 230-220, और सेल्फ की अगर बात करें, जो सेल्फ स्टार्ट आता है तो वो 300,000 पर चला जाता है, वही सेम, जस्ट एक बटन दिया हुआ है की 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 करके स्टार्ट कर ले, चलो स्टार्ट बस वो। हाँ, और वो तकरीबन ले गया, बटन खाली पड़ गया तकरीबन 60-65 ऐसे ही। हाँ, तो ये खाली बटन ठीक नहीं ना मारने से। लेकिन ये देखो ना कि उसमें अभी तक आपको डिस्क ब्रेक नहीं दे रहे होंडा वाले, अलॉय यार, अलॉय रिम नहीं दे रहे आपको, ये देखे जो सबसे बड़ी बात है, फ्यूल गेज इन्होंने दी हुई है। फ्यूल गेज हम पाकिस्तानी भाई, उधर फ्यूल गेज के साथ साथ है, और हम पाकिस्तानी को इतना तजर्बा हो गया, हम सिर्फ टैंकी हिला के देखते हैं है। अच्छा पंप तक पहुंच जाएगा। साथ में आपको गियर इंडिकेटर नहीं मिल रहा हमारे इधर, और उसके बावजूद प्राइसेस इतनी हाई मिल रही है कि आप कहोगे कि यार क्या मतलब। और कितने फखर के साथ जब बाइक लेते हो तो कहते हैं जी नया होंडा लिया, नई पट्टी ला ली है। अब देखिए नया होंडा, ये वहां पर है तकरीबन 160 का, पाकिस्तान में अगर आ भी जाए तो ये तकरीबन 5 से ऊपर का, इतना का बनेगा। 5 का भी हो तो कौन पूछेगा 125 को, और दूसरे होंडे को कौन पूछेगा, ये पूछेगा, ये तो लोग इसको प्रेफर करेंगे। 300,000 उसका भर रहे हैं तो ये तो हंस के लेंगे बिल्कुल।
तो बाकी ये है कि इंडिया में बहुत सस्ता और चीजें भी बहुत अच्छी हैं मेड इन इंडिया। एक तो प्राउड की बात ये है कि मेड इन इंडिया चीजें हैं, और बाइक्स होगी, गाड़ियां होंगी, तो ये जो चीजें हैं ये तो कभी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसे इतनी सस्ती अब्बल तो होंगी नहीं और यही रहेंगी। मतलब कोई एडवांस चीजें, कोई एडवांस लेटेस्ट बाइक्स जो है वो इस तरह की जो है वो मेरे ख्याल में आनी नहीं है शायद इधर। अगर आएंगी भी तो वो 10 लाख जी, 12 लाख की, 15 लाख की, तो बंदा कहता है कि यार 15-20 लाख रुपया जो है बाइक के ऊपर भरे, वो भी तब अगर तो इंडिया में भी प्राइसेस ये हैं दूसरे देशों में हाई हों तो बंदा कहे, लेकिन जब इंडिया में एक बाइक का 350 cc वाली 1.5 लाख में मिल रही है तो पाकिस्तानियों को 350 cc बाइक लेने के लिए 10-12-15 लाख भरने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये फर्क है। और फिर ये है कि वो बाइक्स जो है वो बाहर की होंगी, इधर इंडिया का ये है कि उनकी अपनी है, मेक इन इंडिया उधर बनती है, हर चीज जो उनको इजीली अवेलेबल होगी। बिल्कुल। चलें जी, बाकी आपके पास बाइक कौन सी है, क्योंकि आप तो चूने से बच रहे हैं जो इंडिया से हमें देख रहे हैं और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं चूना लग रहा है और लगता रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, दोनों जहां से भी आप लोग देख रहे हो अपनी बाइक का नेम जो है वो कमेंट में लिखिएगा।